मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्थाओं के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया डॉक्टर अभय सिन्हा प्राचार्य का घेराव। शाहजहाँपुर सरकारी मेडिकल कॉलेज में फैली अव्यवस्थाओं व कोविड 19 के मरीजों के प्रति बढ़ती जा रही लापरवाही के खिलाफ भाजपा नेता राजकमल वाजपेयी के साथ युवाओं ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अभय सिन्हा का घेराव किया। आक्रोशित भाजपाइयों ने प्राचार्य के खिलाफ खूब भड़ास निकाली, साथ ही उन्हें चेतावनी दी कि यदि व्यवस्थाओं में व्यापक सुधार नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। आक्रोशित कार्यकर्ताओं को शांत करने के लिए सीओ सिटी प्रवीण कुमार को मौके पर आना पड़ा। मंगलवार को भाजपा महानगर मंत्री राजकमल वाजपेयी अपने तमाम साथियों के साथ मेडिकल कॉलेज जा धमके, जहां उन्होंने प्राचार्य के कमरे में जाकर उन्हें खूब लताड़ा, साथ ही खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में तमाम तरह की अव्यवस्थाएं हावी है, कोविड 19 के मरीजों के प्रति लापरवाही बढ़ती जा रही है, उन्हें समुचित इलाज तक नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते कई मरीजों को जान तक गंवानी पड़ी। वाजपेयियों के आक्रोश को देखते हुए सूचना पुलिस को दी गई। सीओ सिटी प्रवीण कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने आक्रोशित कार्यकर्ताओं को समझाकर शांत करवाया। भाजपा नेता राजकमल वाजपेयी ने सुधार न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। बहुत अच्छी बात कही, खाने वाले मामले में दो चीजों को लेकर मैंने मुद्दा उठाया है, एक तो खाने की क्वालिटी और दूसरा खाने की टाइमिंग। इन दोनों मामलों में जांच होगी और अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई। हर कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने शिकायत की थी, उन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही है, उनका भी मैंने मुद्दा उठाया है। जी, उनका भी मुद्दा उठाया है। इन्होंने अभी एसडीएम साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि जल्दी उनकी सैलरी दिलवाऊंगा। सर, क्या मामला था, किस तरीके से ये हंगामा हो रहा है? हुआ है मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल के ऊपर, क्या है पूरा मामला? सर, कि कोरोना पॉजिटिव जो जेएलपी के लिए बनाई गई, जेएलपी व्यवस्था की गई है, उसमें भोजन को लेकर के और साफ सफाई को लेकर के कुछ लोगों ने शिकायत किया। उसके संदर्भ में कुछ लोग आए थे प्रिंसिपल साहब के यहाँ शिकायत करने के लिए, हम लोग आए थे यहाँ बातचीत किए हैं और जो भी समस्याएं हैं हमने प्रिंसिपल साहब से बात कर ली, सीएमएस साहब से बात कर ली है, साफ सफाई भोजन के साथ जो भी समस्याएं हैं उस पर निराकरण करेंगे। उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया है, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई।